19 तारीख को लोकसभा चुनाव के सातों चरण जो हैं वो पूरे हो गए हैं और देश की 543 सीट्स पर मतदान संपन्न हो गया है। विभिन्न टीवी चैनल्स द्वारा जो सर्वेस कराए गए हैं उन सभी सर्वेस के मुताबिक एनडीए पुनः हिंदुस्तान में सरकार बना रही है और नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस सर्वे से एग्जिट पोल जो हुआ है उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि देश में कम या ज़्यादा सीटें तो हो सकती हैं लोकसभा में एनडीए की, लेकिन सबके सब जो हैं वो एक ही चीज़ की ओर जो है इशारा कर रहे हैं कि देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी प्रारंभ से कह रहे थे कि इस बार जो है वो अनप्रेसिडेंटेड जो है वो पोलिंग भी होगी और उसके आधार पर जो है वो एनडीए को बहुमत नहीं मिलेगा वरन 300 से अधिक सीटें मिलेंगी, ये सारे के सारे चैनल जो हैं वो आज दर्शा रहे हैं। और जो सिफोलॉजी के मुताबिक इसमें इजाफा तो हो सकता है, सीट्स में कम नहीं हो सकती क्योंकि कई बार एग्जिट पोल बिल्कुल उलट जो है वो उसके नतीजे आते हैं। तो इसलिए उस बात से जो है सावधान रहते हुए अधिकांश सिफोलॉजिस्ट जो है वो कम करके आंकते हैं एग्जिट पोल में नंबर्स को। तो मेरे हिसाब से ये नंबर बढ़ना चाहिए और प्रदेश में और देश में जो है वो भारी बहुमत से बीजेपी के को जो है वो इस बार विजय प्राप्त होने वाली है।